हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हॉल्टर नेक ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल है। तो आज की इस वीडियो में आप हॉल्टर नेक ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर के कपड़े को हमने अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा लीजिएगा। मैं 34 साइज़ का यहाँ पर ब्लाउज़ बना रही हूँ और साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपने मेज़रमेंट लीजिएगा। जो हम कॉलर नेक ब्लाउज़ में लेते हैं सेम वही मेज़रमेंट आपको हॉल्टर नेक ब्लाउज़ में लेना होता है, शोल्डर एंड आर्म होल्स का। तो सबसे पहले देखिए मैंने टोटल लेंथ यहाँ पर रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप ले लीजिएगा। शोल्डर और आर्म होल्स रख रही हूँ मैं 7 इंच। तो आपका जो भी शोल्डर का मेज़रमेंट होता है पूरा, जितना भी आप लेते हैं वो पूरा मेज़रमेंट आपको यहाँ पर हाफ करके लेना है। 34 साइज़ में शोल्डर रखे हैं 7 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 7 इंच। अगर आप थोड़ा आर्मोल्स लूज पहनना चाहते हैं तो 7.5 इंच भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। ये चेस्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें 1 इंच पर गुलाई दे देनी है इस तरीके से। गुलाई देने के बाद अगर गुलाई अच्छे से नहीं आई है तो आप यहाँ पर हाथ से अच्छे से दोबारा से कर सकते हैं। और कमर है 28 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर में हम जो प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो अब हमने यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर आप 80 सेंटीमीटर कपड़ा अगर लेते हैं तो मैंने देखिए इसे किनारी वाले पार्ट से फोल्ड करके लिया है, क्योंकि इसमें हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी लेंथ हम थोड़ी बढ़ा कर रखते हैं, तो इसीलिए हमें लंबाई में जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। और आगे पीछे का जो यहाँ पर भाग है वो मैं दोनों तरफ से बंद रख रही हूँ, क्योंकि हम इसे स्टिचिंग करने के बाद खोलेंगे। तो आप थोड़ा सा फैब्रिक का ध्यान रखिएगा किस तरीके से आप फैब्रिक ले रहे हैं। कपड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है यहाँ पर। अब हमने कपड़े को वापस से अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। ध्यान रखिएगा ओपन साइड से नहीं रखा है। ओपन साइड से भी आप रख सकते हैं पर उसकी जो स्टिचिंग होगी वो अलग तरीके से होगी, उसके लिए भी मैं आगे एक वीडियो शेयर करूंगी। सबसे पहले देखिए अभी मैंने यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से आपको हॉल्टर नेक सिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके किनारी वाले पार्ट को निकाल दिया है, कपड़े को सीधा कर लिया है। कपड़े का जो बंद भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम इसमें बना रहे हैं प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट में हमें लेंथ में यहाँ पर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ इस तरीके से। टोटल लेंथ में 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हमने हाई हुक की पट्टी का भी एक्स्ट्रा ले लेना है, ये देखिए। पर इसे हम बीच में से कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। 1/2 इंच नीचे से लिया है, 1/2 इंच इस तरफ से लिया है। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से। बैक पार्ट को हमने रख लेना है, कोई भारी चीज़ आप रख लें यहाँ पर। और इसके बाद हम एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो हमारा जो बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट को हटा लेना है। मार्किंग हमारी हो गई है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। एक्स्ट्रा हमने बैक पार्ट में भी एक इंच लिया हुआ है, तो नीचे से अगर आप 1.5 इंच ही लेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर आपको 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है। तो अभी मैंने बैक पार्ट नहीं हटाया था, अब मैंने बैक पार्ट हटा लिया है इस तरीके से। और प्रिंसेस कट के लिए देखिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन आपको बता दिया है, आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच। अब आपको यहाँ पर मार्क करना है, ये जो मैंने 3 इंच पर मार्क किया है ऊपर और नीचे की तरफ से, विड्थ में भी 3 इंच लिया है और लेंथ में भी 3 इंच लिया है। देखिए यहाँ पर विड्थ में भी 3 इंच लिया है और लेंथ में भी मैंने 3 इंच लिया है। और ये मार्किंग मैंने हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच छोड़ते हुए की है, ठीक है। तो अब हमने देखिए ये हॉल्टर नेक में ख़ास बात यही होती है कि हमें फ्रंट नेक में 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना होता है। अगर हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो 3.5 इंच आप लीजिएगा।
अब हम यहाँ पर आर्म होल की गुलाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आप कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं तो आपको यहाँ पर जो हम फ्रंट में घेराई करते हैं वहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, 1 इंच कम लेना होता है चेस्ट की तरफ से। जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 7 इंच, तो आपको चेस्ट वाली तरफ से लेना है 6 इंच, 1 इंच कम करके आपको लेना है और इस तरीके से आपको घेराई कर देनी है। तो घेराई वाला पार्ट अभी मैं कट नहीं करूँगी, आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, पर मैं प्रिंसेस कट का जब पार्ट अटैच कर लूँगी तभी मैं यहाँ पर घेराई करूँगी। और मैं इसे स्लीवलेस पर बना रही हूँ, आप इसमें स्लीव्स लगा सकते हैं अपनी पसंद से, कोई सी भी स्लीव्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं, बड़ी या छोटी। मेजरमेंट कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम ही आपको लेना है। अगर आप 34 साइज़ का बना रहे हैं तो 33 का भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है, इसे मैंने कट कर दिया है। यहाँ से प्रिंसेस कट का मार्क कर लेंगे हम, 3.5 इंच विड्थ में लेना है और ऊपर से टक्स पॉइंट आपको इस तरीके से मेज़र करना है 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर। और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ पर हम इसे विड्थ में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम 4.25 इंच ले लेंगे विड्थ में। ध्यान रखिएगा जो भी मार्किंग कर रहे हैं वो हाफ इंच छोड़ते हुए ही करना है हाई हुक की पट्टी का। विड्थ में हमने 4.25 इंच ले लिया है और इसे हम आर्म होल की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने आर्म होल की तरफ प्रिंसेस कट वाली लाइन को मिला दिया है। यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 1.25, यहाँ पर विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच नीचे से विड्थ में लिया है और लेंथ में लेना है 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे, हाफ इंच जो मार्क किया है हमने उसे ऊपर की तरफ मार्किंग कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए मैंने मार्किंग की थी हाफ इंच की और इसे हम डाउन कर देंगे। तो जैसे कि हम बोट नेक या कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इस तरीके से हम शोल्डर को डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे, तो गले की मार्किंग भी हाफ इंच छोड़ते हुए ही आपको करनी है। नेक विड्थ तो हमने यहाँ पर रखी है 3 इंच, अगर आप थोड़ा और ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, सॉरी यहाँ से हमने जो मार्किंग किया है, ये जो विड्थ में हमने मार्किंग की है वो मार्किंग की है 1.25 इंच पर, 1.25 इंच पर मार्क की। यहाँ से हमें नेक की लेंथ ले लेनी है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप चाहें थोड़ा सा डीप पहनना चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं। नीचे से विड्थ में 3 इंच लिया है, अगर नेक को ब्रॉड रखना है तो नीचे से आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। और इसमें 2-3 तरीके के यहाँ पर नेक बनते हैं हॉल्टर नेक में, तो मैं यहाँ पर जो शेप बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है हॉल्टर नेक में, जो है यहाँ पर पॉट शेप। तो यहाँ पर ये मटका शेप हमने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अगर आप इसे थोड़ा फैलाना चाहें नीचे की तरफ से, आप इसमें विड्थ में बढ़ाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऊपर से हम इसे सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हमारा जो गला है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से आर्म होल की गुलाई कर देनी है। और ध्यान से आप इसे जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेंगे वहाँ पर आपको ध्यान से कटिंग कर देना है, क्योंकि स्टिचिंग के समय पर वो पार्ट स्किप हो गया है मुझसे, वो स्टिचिंग में नहीं आया है। तो ध्यान रखिएगा आप जब स्टिचिंग कर लें, प्रिंसेस कट को अटैच कर लें, तो ध्यान से आप आर्म होल की गुलाई कर दीजिएगा। जितना मैंने बताया आपको उतनी कटिंग कर देनी है आपको, क्योंकि जब हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें अगर आप गहराई नहीं देते हैं तो वो पहनने के बाद बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा आर्म होल पर क्रीस आ जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक पर इन्हें कट कर लिया है, स्लीव्स में नहीं लगा रही हूँ। आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो स्लीव्स को आप कट कर लीजिएगा अपनी पसंद से, बड़ी या छोटी। और सारे ही पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेना है। अगर आपके पास बुकरम होता है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ये पेपर पेस्टिंग, गले के बराबर से आपको लेना है। गले की जो टोटल लेंथ है उससे 1.5 इंच आप बढ़ा कर लीजिएगा। और अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसे बीच में से कट नहीं किया है। अब आपको यहाँ पर इसे पहले तो डबल फोल्ड करके क्रीज बनानी है, उसके बाद आपको क्रीज के यहाँ से इस तरीके से गले को रखना है और एज इट इज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप चाहें तो सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से एज इट इज़ हमने नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम गले को अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारी सेंटर लाइन है, अगर आप चाहें तो पहले ही सेंटर लाइन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने गले को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे डबल फोल्ड करके 1.25 इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है वापस से और यहाँ से मैं 1.25 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए गले के नीचे तक हमें 1.25 इंच 1.25 इंच पर अच्छे से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये विड्थ में हमने मार्किंग कर ली है और इसके बाद हम इसे इस तरीके से शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। पहले हम इसे बाहर की तरफ से कट करेंगे और इसे पेस्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा अस्तर वाला, उसके ऊपर रखकर हम इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने गले को कट कर लिया है। तो ये नेक हमारा कटिंग हो गया है यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हमने इसे अस्तर के ऊपर चिपका लेना है प्रेस से। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा जो मैंने चिपकाया है, इसे बीच वाला जो पार्ट है वो आप ज़रूर से रख लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके जो गले की विड्थ है वो बिल्कुल बराबर आएगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो उसे भी आप प्रेस से चिपका लें और फिर बाद में निकाल दीजिएगा। छोटे छोटे कट हमें लगा देने हैं इस तरीके से और एक तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम गले को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सिलाई मत लगाइएगा, गले को प्रेस से चिपका लीजिएगा जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके गले में। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है और अब हमने इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, जो हमें गले को अटैच करने में काम आएगी इस तरीके से। मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसे अब हम साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर लेंगे और इसे भी हम सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अच्छे से देखिए हमें यहाँ से ऊपर से सिलाई लगानी है जैसा हमने कटिंग किया है और वैसा कि वैसे ही हम इस पर इसे सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं हॉल्टर नेक बनाने में, काफ़ी आपको डर लगता है और मेरे पास इसके लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की। तो आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से, ही जितना बनाने में कठिन लगता है, देखने में कठिन लगता है, बनाने में ये उतना ही आसान है। बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के साइड से उसे भी कट करके निकाल देंगे। अच्छे से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट भी अटैच हो गया है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा कट लगा देना है और चौक से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने नेक को मीडियम ही रखा है, अगर आप चाहें तो नेक की लेंथ बढ़ा सकते हैं, 7 इंच तक आप फ्रंट नेक जो है वो रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है सेंटर से। तो नीचे वाली मार्किंग और ऊपर वाली मार्किंग आप मिलाते हुए लगाइएगा। मैंने इसे नीचे तक बिल्कुल कवर कर दिया है ताकि गला हमारा बिल्कुल भी ना हिले। अब हमने साइड से सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए ये सिलाई आप लगाइएगा गले के ऊपर। शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे बारीक टाके से, ताकि गला जो है हमारा वो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बने। नेक के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा यहाँ पर रखना है, बाकी सारा ही फैब्रिक आप कट करके निकाल दीजिएगा। कपड़ा निकालने के बाद हम पूरे ही पैटर्न पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे यहाँ पर। ये कट लगाने से गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। अब हमें क्या करना है, गले को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप देखिए हल्के हल्के हाथों से गले को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिएगा और एक बार आप इस पर प्रेस ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर आ जाए गले में। मैंने नेक को बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन गया है और मैं इस पर एक बार प्रेस भी ज़रूर लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्रेस कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये नेक हमारा।
अब हमने बैक पार्ट को अटैच कर देना है। तो चारों तरफ से पहले आप इस पे सिलाई लगा लीजिएगा, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिएगा। अब सेंटर में इस तरीके से कट लगाने के बाद दोनों तरफ हम प्लेट्स डाल देंगे। प्लेट्स की जो लेंथ रख रही हूँ मैं वो 5 इंच है, तो 4.5 या 5 इंच आप प्लेट्स की जो लेंथ है वो बढ़ाकर रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से पहले तो हम एक सेंटर में कट लगा लेंगे छोटा सा, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच और उसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया था। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे, कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है, तो ध्यान रखिएगा जो 3 इंच हमने ऊपर से गले को बढ़ाते हुए लिया है उसे ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो अटैच हम बस ये जो गला पट्टी है हमारी वहीं तक हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हैं मार्किंग की हुई है यहाँ पर चौक से मैंने, बस वहीं तक हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर इसे बराबर करके चेक कर लेना है देखिए, और मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। एक तरफ हमने सेंटर से लगाया है और जो बीच का जॉइंट है उसे आपको एक तरफ और फिर जो दूसरा वाला जो जॉइंट है वो दूसरी तरफ कर देना है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे जॉइंट कर दिया है। तो ये नेक हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गला हमारा ऊपर की तरफ से ये खुला हुआ है, तो इसे आपको सिलाई से पैक नहीं करना है। अब ये जो सिलाई मार्जिन है इसे आपको अंदर की तरफ कर देना है इस तरीके से। अंदर की तरफ करते हुए आप यहाँ पर पिन लगा सकते हैं और इसे आप हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इतना पार्ट जो है वो तुरपाई कर लें हाथ से, और यहाँ पर देखिए जो नीचे गला हमारा बना हुआ है वहाँ पर भी आपको हाथ से तुरपाई कर लेनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो ऊपर वाला हमारा इतना पोर्शन है उस पर हम बैक नेक पर यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। ध्यान रहे सिलाई आपका जो नीचे वाला मार्जिन है वो दब जाए अच्छे से। तो ये हमारा जो हॉल्टर नेक नेक है वो यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो गया है, गले का काम हमारा ख़त्म हो गया है। इसे आप प्रेस से अच्छे से सेट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ बना है। अब हमें फ्रंट को ओपन कर लेना है, तो नेक हमारा बन गया, तो ये हमें काफ़ी इजी रहेगा अगर हम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है। अब हम एक एक रफ स्टिच लगा लेंगे और प्रिंसेस कट वाला पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट आप नीचे से ही अटैच कीजिएगा। इसे अटैच करने के बाद आप आर्म होल की गोलाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो वाला पार्ट मेरे से स्किप हो गया है यहाँ पर। तो आर्म होल की गोलाई आप दे दीजिएगा जैसे कि मैंने आपको कटिंग में बताया हुआ था। दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपको अटैच कर देना है, अच्छे से पक्का कर लेना है। अब आप हाई हुक की पट्टी अटैच कीजिएगा, तो वो आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको हुक लगाने में ईजी रहे। तो मैं यहाँ पर इस तरफ लगा रही हूँ। हुक की पट्टी को थोड़ा बढ़ाकर ऊपर गले के यहाँ से लीजिएगा, क्योंकि गला हमारा फिनिशिंग हो चुका है तो हमें यहाँ पर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, फिर आप इसे सिंगल फोल्ड कीजिएगा, फिर इसे गले की तरफ से हमने इस तरीके से पैक कर देना है और सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आप इसे पक्का कर लें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर हमारी हाई की पट्टी अटैच हो गई है, आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, मैंने हाई की पट्टी को अटैच कर दिया है। अब दूसरी तरफ हम लगाएंगे हुक की पट्टी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उसे कवर करते हुए ही आपको हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। अब आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। हाई हुक की पट्टी हमने यहाँ पर अटैच कर दी है और इसके बाद हम इसे इस तरीके से रख करके बराबर करके चेक कर लेंगे, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके बराबर कर लीजिएगा। और अब हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हम कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। एक सिलाई हम इस तरफ करते हुए पट्टी को पट्टी के ऊपर लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ हमने कमर पट्टी लगा लेनी है और इसके बाद देखिए हमें बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है। और यहाँ पर ये पार्ट हमें स्लीव्स अटैच करने से पहले ही करना है,
हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरीके से सेंटर में पिन लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करना है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और अब हम आर्म होल पे लगाएंगे पट्टी। तो ये मैंने उरेप पट्टी ली है 1.25 इंच की और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने इस तरीके से इसे आर्म होल पर अटैच कर लेना है। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हैं तो स्लीव्स अटैच कर लीजिएगा और छोटे छोटे कट हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम पट्टी को एक सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पट्टी को आपको एक सिंगल फोल्ड कर लेना है। फिर हम पट्टी को अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं अंदर की तरफ। और अब हमने दूसरी तरफ भी आर्म होल पर पट्टी अटैच कर लेनी है। फिर हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। दूसरी तरफ भी लगा ली है मैंने पट्टी और अब हमें देखिए क्या करना है। यहाँ से बराबर करते हुए एक सीधी सिलाई हम अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। जैसे कि हम यहाँ से चेस्ट का ले लेंगे 8.5 इंच, कमर का ले लेंगे 7 इंच और एक सीधी सिलाई फिटिंग की हम यहाँ पर लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर देना है। तो ये जो ब्लाउज है हमारा वो बन करके कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।